पहला संकल्प है कि शक्तिशाली होना है। वीर्य का उपयोग करना है, वीर्य शक्ति हमारी बल शक्ति, शरीर का बल, मन का बल, वाक बल, वाणी का बल, भावना का बल, ये हमारी आंतरिक बल और धन बल, जन बल, ये शस्त्र बल, ये सब बाहर के बल हैं। तो अब शक्ति का उपयोग कैसे करें? आजकल ऐसा लगता है कि शस्त्र बल बहुत बढ़ गए, उसका उपयोग भी बहुत हो रहा है, उपयोग नहीं कहना चाहिए, दुरुपयोग बहुत हो रहा है। इसका कारण कि उसके साथ वह हित की भावना नहीं है, विवेक चेतना नहीं है। जहाँ विवेक की चेतना नहीं होती, हित की भावना नहीं होती, इष्ट की भावना नहीं होती, अनिष्ट की भावना होती है, वहाँ उसका दुरुपयोग हो जाता है। एक संस्कृत साहित्य में कथा है कि कोई संयोग ऐसा बैठा कि बंदर राजा का भक्त बन गया। पशु पक्षी भी कभी कभी किसी के भक्त बन जाते हैं, कुत्ता भी स्वामी भक्त हो जाता है, बंदर भी हो जाता है, तोते मैना ये भी हो जाती है। तो राजा का भक्त बन गया, बस राजा को छोड़ता ही नहीं है, हमेशा राजा के पास रहता है। राजा सोता और बंदर पहरा देता, रखवाली करता। लोगों ने देखा बड़ा स्वामी भक्त है, अच्छा बड़ा जागरूक है, आदमी तो शायद कभी झपकी ले लेता है पर यह बंदर तो झपकी नहीं लेता, कभी सुरक्षा पूरी करता है राजा की। तो अधिकारी ने चिंतन किया कि जब राजा सोता है, अब बंदर पहरा देता है, इसके हाथ में तलवार दे दी जाए तो पूरी सुरक्षा करेगा। हाथ में शक्ति तो आ गई, बंदर के हाथ में तलवार आ गई, अब सुरक्षा का साधन आ गया, पर साथ में विवेक नहीं था। शक्ति तो दे दी पर विवेक नहीं दिया। राजा एक दिन सो रहा था और मक्खियां बहुत हो गई थी, तो राजा के शरीर पर मक्खी आकर बैठती थी। अब आदमी तो मक्खी को उड़ाता पर बंदर के पास वह तो हाथ तो है नहीं कि जैसे उड़ा दे, तो मक्खी गले पर आकर बैठी। तो बंदर ने सोचा कि मक्खी बार बार आ रही है, मक्खी आई और उड़ाने के लिए चलाई तलवार, मक्खी भी उड़ गई, साथ साथ में गला भी उड़ गया। शक्ति का दुरुपयोग, यानी शक्ति किस हाथ में जानी चाहिए, जब तक यह विचार नहीं होता दुनिया में तो हमेशा शक्ति का दुरुपयोग होता रहता है। शक्ति आवश्यक पर शक्ति किस हाथ में जानी चाहिए यह बहुत जरूरी है। बोला बंदर के हाथ में तलवार दे दी तो गला तो कटना ही था, कट गया। यह नहीं देखा कि स्वामी भक्त तो है पर साथ में विवेक नहीं है,